पाठ में आए हुए केवल ईमान और ऐसे कैसेलिया पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जिनका मैं आपको अर्थ बता देता हूं और जब आप इनके अर्थ समझ जाएंगे तो आपको इस पाठ को समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है जवाब। बच्चों जवाब का मतलब होता है उत्तर, ठीक है ना। आगे शब्द है सानना। सानना का मतलब होता है बच्चों गूंथना। मतलब घर में मम्मी देखो आटा गूंथती है, ठीक है ना, वही शब्द है सानना मतलब गूंथना। चुटकी, चुटकी, चुटकी मतलब बच्चों बहुत थोड़ा सा, चुटकी मतलब होता बहुत थोड़ा। मौका, मौका का मतलब होता है अवसर। मुलाकात, मुलाकात का मतलब होता है भेंट, जैसे किसी दोस्त से मुलाकात होती है उसे हम भेंट कहते हैं। गुरु, गुरु का मतलब बच्चों होता है शिक्षक, जैसे हम लोग पढ़ाते तो आपको हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं तो गुरु का मतलब होता है शिक्षक। भटकते, भटकते का मतलब होता है खोजते। फुर्र होना, फुर्र होना मतलब भाग जाना। आप कभी कहते हो बच्चे सब फुर्र हो गए सर, तो भाग गए मतलब जल्दी चले गए। अब बच्चों किसी कोई दिक्कत, बहुत अच्छे, अब आप लोग अपनी कॉपी में इसे उतार। देखो बच्चों पाठ में आए हुए विलोम शब्द, कुछ शब्द हैं जिनका मैं आपको विलोम शब्द बता रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाए। शब्द है प्रश्न। प्रश्न का विलोम शब्द होता है उत्तर। आज, आज का विलोम शब्द होता है कल। सवाल, सवाल का विलोम शब्द होता है जवाब। धीरे, धीरे का विलोम शब्द होता है बच्चों तेज। दोस्त, दोस्त का होता है दुश्मन। कम, कम का विलोम शब्द होता है अधिक। हल्की, हल्की का होता है भारी। अपनी, अपनी का विलोम शब्द बच्चों होता है पराई, अपनी पराई। शुरू, शुरू का विलोम शब्द होता है अंत। शुरू का मतलब शुरू और अंत, ठीक है ना। सब कुछ समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनका मैं आपको पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं, ठीक है ना। इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। देखिए गुरु के पर्यायवाची शब्द होते हैं अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक, शिक्षक। रास्ता, रास्ता के पर्यायवाची शब्द होते हैं मार्ग, पथ, वाह। इन सब का मतलब होता है रास्ता। मुलाकात, मुलाकात का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों भेंट, मिलना, मिला, ठीक है ना, समझ गए। पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं जल, वाल, नीर। बहुत ही आसान है। रोटी, रोटी के पर्यायवाची शब्द होते हैं फुलका, चपाती। आप लोग बोलते ना चपाती खाना है, क्या एक फुलका दीजिए, है ना, तो इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं फुलका, चपाती। आग, आग का होता है पर्यायवाची शब्द पावक, अनल, अग्नि। इन शब्दों में किसी को कोई दिक्कत? आसान है, समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत? खींचो पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनको मैं आपको वाक्यांश हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है हमको। ये वाक्यांश है, इनके लिए हमको एक शब्द बनाना है और देखते हैं कैसे। जहां गेहूं पीसा जाता है, घर में पापा मम्मी कोई ज्यादा आटा पिसवा गेहूं पिसवाए ना, तो बच्चों जहां पर गेहूं पीसा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? चक्की। चक्की पर ही गेहूं पीसा जाता है। जहां मरीजों की देखभाल की जाती है, आप जानते हो यहाँ पर मरीज भर्ती रहते हैं, देखभाल दवा डॉक्टर करते हैं ना, उसे बच्चों कहते हैं अस्पताल। जहां पूजा किया जाता है, पूजा कहाँ किया जाता है? मंदिर। तो इसको हम एक शब्द में लिख देते हैं मंदिर। जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है विद्यालय, 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 स्कूल, समझ में आया ना।
जहाँ सब्जी मिलती है तो सब्जी जहाँ मिलती है उसे हम सब्जी मंडी कहते हैं या बाजार कहते हैं, क्योंकि सब्जी जो है बाजार में मिलती है। समझ में आ गया? आप सब देखते भी हैं। जहाँ पानी के जहाज उठते हैं तो बच्चों जहाँ पर जैसे जहाँ हमारे हवाई जहाज उठते हैं तो क्या कहते हैं? हवाई अड्डा। उसी प्रकार से जहाँ पानी के जहाज उठते हैं उसे हम कहते हैं बंदरगाह। उसे हम क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो ये बहुत ही आसान है, आप सब लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लें। किसी को कोई दिक्कत? तो सही शब्द बनाकर लिखो। कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हैं ना, देख रहे हो अक्षर सब लिखे हैं, इनको सही शब्द क्रम से लगा करके हमको शुद्ध शब्द बनाना है। समझ आ गया? जैसे है ई की ल स, मैं आपको बता दे रहा हूं ई ल स, तो बच्चों इसका शुद्ध शब्द बनेगा साइकिल। क्या बनेगा? साइकिल। आसान है ना? Yes. अब देखिए दूसरा है ला पा नी, ला पा नी, हमको एक शुद्ध शब्द बनाना है तो हम सोच कर बनाते हैं नी कर ला। क्या बन जाएंगे शब्द? ला। यहां पर लिख देंगे ला। फिर है तीसरे में देखो जा जा बा र, जा बा र, क्या शब्द होगा? बाजार। बहुत अच्छे, इसको सभी को समझ में आ गया अब चीजें। तो बच्चों एक शुद्ध शब्द बनेगा बाजार। आगे शब्द है का मूलात, तो बच्चों इसका शुद्ध शब्द बनेगा मूलात। हम लिख देंगे अपन आगे शब्द है अंतिम रा प त, रा प त, बच्चों मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं, इसका सही शब्द बनेगा प रा त, क्योंकि आटा कैसे समझ जाता है बारात में, उसी को हमने बनाया प रा त, तो शब्द बन गया, शुद्ध शब्द दोबारा बन गया रात। अब ये सबको समझ में आ गया? देखिए बहुत ही आसान है, परीक्षा में ऐसे सवाल हम प्रश्न देते भी हैं, इसलिए हमने आपको इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे।